पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों में पर्यावरण के प्रति जन जागृति हो, इस उद्देश्य से सामाजिक संगठन और कांग्रेस के नगर सेवक मनोज कावंडे और पूर्व नगर सेवक वासुदेव ठोके की उपस्थिति में शनिवार को जन जागृति अभियान चलाया गया। आधुनिकता के दौर में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बड़े विस्तार के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते शनिवार को सामाजिक संगठन और कांग्रेस के नगर सेवक मनोज कावंडे और पूर्व नगर सेवक वासुदेव ठोके की उपस्थिति में जन जागृति की गई। आज जो ये विश्व पर्यावरण दिन है, इसलिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण की देखभाल करना यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि निसर्ग या पर्यावरण अगर है तो ही मानव जाति है, अन्यथा मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज का ये जो विश्व पर्यावरण दिन है, हम ये चाहते हैं कि जनता में जागरूकता आए, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर ये पर्यावरण का संवर्धन करे, यही हम आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन के अवसर पर आज हम ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता निर्माण हो और हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का एक एक झाड़ लगाते रहे, यही आज के दिन का हमारा उद्देश्य है। और इस दिन का उद्देश्य हमने इसलिए भी यहाँ किया हुआ है क्योंकि आज हमारे नगरी में कुछ अनहोनी होने जा रही है। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस हम इसलिए मना रहे हैं कि झाड़ों की बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इसी दिन यहां पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।